हाय, वेलकम बैक। सो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बिफोर मूविंग ऑन डीप इनटू द कोर्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के। कुछ दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे और लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेंगे। इवन अगर आप ये कोर्स करने के बाद सब कुछ भूल जाते हो और वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप याद रख लेते हो दो तीन, तो भी आप पैसा बना सकते हो मार्केट में। दैट्स अ चैलेंज। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखोगे, सबसे पहले आप लिखो, आप साथ साथ लिखो ये चीज। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है डिमांड जोन, ठीक है, एंड हम पढ़ेंगे साथ साथ सप्लाई जोन। दो चीजें हमने पढ़नी है, एक पढ़ना है हमने डिमांड जोन, एक हमने पढ़ना है सप्लाई जोन, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन एक ऐसा जोन है जहां पे इकोनॉमिक्स में हमने कभी सुना होगा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो डिमांड जहां पर प्राइस की डिमांड या जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड रहती है तो प्राइस बढ़ता है। वही एक्शन जो है हम स्टॉक मार्केट में भी होता है। डिमांड जोन का मतलब है डिमांड। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहां पर कि यहां पर जो है प्राइसेस फॉल हो रहे हैं कंटिन्यूअस। यहां पे एक रेंज में आके प्राइसेस जो है बाउंस बैक कर गए, ऊपर की तरफ भाग गए। अगेन प्राइसेस ऊपर जाके फिर एक जगह से नीचे आए। यहां से यहां पर प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर सेम लेवल पर आकर वापस ऊपर उछल गए। तो दिस इज डिमांड जोन। तो आप लिखो डिमांड जोन होता क्या है। तो डिमांड जोन क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। क्या है? सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया का मतलब क्या है, प्राइसेस जहां पर लेट्स से मार्केट में अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो डिमांड जोन एक ऐसा एरिया है यहां पर प्राइसेस जैसे ही टच करेंगे मार्केट में उछाल आएगा। प्राइसेस यानी बाउंस बैक करेंगे। आप लिखो इस वर्ड को कि जब जब सपोर्ट एरिया में प्राइस पहुंचेगा वहां से प्राइसेस जो है बाउंस बैक करेंगे, बाउंस बैक ऊपर की तरफ उछलेंगे। फिर हो सकता है दोबारा मार्केट में प्राइसेस गिरे ऑलमोस्ट सिमिलर सेम लेवल पर आकर प्राइसेस जो है वहां से उछल जाए। तो एक ऐसा एरिया जहां पर प्राइस पहुंचते हैं और उससे नीचे नहीं जा पा रहा प्राइस और वहां से प्राइसेस जो है रिवर्स मार्केट में जो चाल है वो रिवर्स हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर, आप देखो यहां प्राइसेस गिर रहे हैं कॉन्टिन्यूस, यहां प्राइसेस आए और मार्केट जो है वापस ऊपर चली गई, प्राइसेस जो है वापस ऊपर चले गए। तो दिस इज डिमांड जोन। फिर प्राइसेस नीचे आए ऑलमोस्ट सिमिलर सेम लेवल पर आकर प्राइसेस जो है वापस ऊपर चले गए। तो ये मार्केट में एक सपोर्ट का काम करेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर प्राइसेस इन फ्यूचर ऊपर जाकर नीचे आ रहे हैं तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि हाँ ये वो एरिया है या वो प्राइसेस का लेवल है, वो एक रेंज है पर्टिकुलर जहां प्राइसेस आकर वापस बाउंस बैक करते हैं। तो यानी ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि बार बार सपोर्ट इस लेवल पर आकर प्राइस उछलेंगे, ठीक है। तो दिस इज सिंपली डिमांड जोन, ठीक है। अब हम देखते हैं सप्लाई जोन क्या होता है। पहले इसको मैं हटा दूं, ठीक है। अब हम देखते हैं सप्लाई जोन, पहले आप चार्ट में देखते हैं सप्लाई जोन क्या होता है। सप्लाई जोन जस्ट अपोजिट टू डिमांड जोन। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है जैसे ही सप्लाई आती है तो प्राइसेस नीचे गिरते हैं, वही काम यहां पर होता है। जैसे प्राइसेस बढ़े एक लेवल पर पहुंचे लेकिन उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, फेल्ड टू क्रॉस दैट लेवल, और वहां से जो है प्राइसेस वापस नीचे गिर गए। वापस ऊपर आए ऑलमोस्ट सिमिलर सेम लेवल पर पहुंचे, वहां से फिर सप्लाई आ गई मार्केट में, सेलिंग आ गई, फिर जो है प्राइसेस गिर गए। यानी एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा एरिया जो कि मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि प्राइसेस जो है वहां से ऊपर नहीं जा पा रहे, ठीक है। यानी एक ऐसा एरिया जहां पर प्राइस अलर्ट से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और वहां पर सप्लाई आती है, यानी मेजोरिटी लोगों को पता है या मेजर ग्रुप ऑफ पीपल और मेजर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर वहां पर जो है बेचने के लिए बैठे हैं। एक ऐसा एरिया यानी वह प्राइस से वहां टकरा कर नीचे आएगा। फिर मार्केट में लेट्स से डिमांड आई, वापस प्राइसेस बढ़े ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया में जाकर, सिमिलर पॉइंट पे जाकर, सिमिलर प्राइस लेवल पे जाकर, रेंज पे जाकर प्राइसेस फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा। तो एटलीस्ट जब आपको दिखे पर्टिकुलर दो बार कि सेम लेवल पर आकर
सेम प्राइस रेंज में आकर, ये जरूरी नहीं एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स प्राइस होगा, ये 19-20 चलेगा, थोड़ा सा एक आपको पर्टिकुलर रेंज दिखेगा कि इस रेंज में आते ही प्राइसेस वापस जो है नीचे गिर रहे हैं, यानी यहाँ पर मार्केट में जो है बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, जो ये प्राइसेस यहाँ टकरा कर नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, इसको बोलते हैं पुल बैक इन प्राइसेस। जब डिमांड जोन हमने पढ़ा था वहां से प्राइसेस जो है टकरा कर ऊपर आ रहे थे तो उनको हमने बोला था बाउंस बैक, और यहां हम बोलेंगे इसको पुल बैक कि प्राइसेस ऊपर पहुंचे और वहां से नीचे आए। चार्ट में दोबारा देखते हैं, सिंपल है, यहां प्राइसेस पहुंचे और नीचे आए, प्राइसेस पहुंचे और नीचे आए, ठीक है। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मार्केट हमेशा ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। लेट्स सी प्रैक्टिकली इसको आपको मैं दिखाता हूं, प्रैक्टिकली आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सिंपली आपको दिख रहा है इस टाइम चार्ट, लेट्स से मैं चलाता हूं निफ्टी का चार्ट, देखो जी अभी मैं इसको करता हूं वन डे पे क्लिक। नाउ सी, आपको चार्ट पे ऑब्जर्व करना है, मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, आपने ये एक्सरसाइज करनी है, आपको करना है क्या, सिंपली आपको जैसे मैं अभी आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा ऐसे ही आपने भी आइडेंटिफाई करना है, और उसको चेक करने करवाने के लिए आपको हमारे को व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी हमारे पास होगा, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन यहाँ पे कैसे है। अगर यहाँ मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मुझे दिख रहा है बार बार कि ये एक ऐसा एरिया है जो प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो लेट्स से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, पहले तो मैं सप्लाई जोन देखता हूँ कि प्राइस कौन से लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। देखो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। तो मैं एक लेट्स से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया, बिना क्लिक छोड़े मैंने एक सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया लेट्स से येलो रेड, ठीक है। तो आप देखो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गए, टकराए, नीचे आ गए, ऊपर गए हल्का सा, पहले से ज्यादा ऊपर गए, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया उस लेवल को टच नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर उस लेवल पे गया नीचे आ गया, उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी फिर नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे में अब लेट्स से मुझे डिमांड जोन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसी पे ही राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा क्लोन, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। नाउ सी प्राइसेस ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आकर बार बार ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल पर टकराया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल तोड़ा एक बार, इसने वापस ऊपर आ गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऑलमोस्ट इसी लेवल पर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ऑलमोस्ट नीचे आया, उसी लेवल पर टच किया, फिर वहां से मार्केट ऊपर भाग गई। अब नाउ यू कैन सी जैसे ही मार्केट ने ये सप्लाई जोन रहा, ये पर्टिकुलर लेवल तोड़ा, तोड़ने का मतलब है कि क्लोजिंग उस लेवल के बाहर हो गई, उस लेवल के बाहर, उस पर्टिकुलर रेंज के बाहर मार्केट सस्टेन कर गई, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जैसे ही हाई का लेवल टूटेगा, रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा, मार्केट में वन साइडेड मूव आएगी, ठीक है। अगर मार्केट ये लेवल देती नीचे की तरफ तो मार्केट नीचे चली जाती, मार्केट ने सप्लाई का लेवल तोड़ा, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, तो इसलिए मार्केट ऊपर चली गई। ऐसे ही लेट्स से पीछे चलते हैं चार्ट में, तो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको पास के प्राइसेस दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, पीछे जाना है, आपको ईयर वाइज, मंथ वाइज आपको यहां स्क्रीन पे चार्ट दिखेगा। लेट्स से मैं आ जाता हूं इधर, यहां मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है नवंबर 2016, सॉरी अक्टूबर 2016, ठीक है, नवंबर आया, फिर ये दिसंबर आ गया, 2017 स्टार्ट हो गया। आपको आपको सिंपल दिख रहा है, मार्केट नीचे गिर रही थी, यहां आई, ऊपर गई, नीचे आई। जैसे मैं दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, भाई मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये एक डिमांड जोन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्लोन करूँगा, एक सप्लाई लेवल लगाने की कोशिश करूँगा। इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पर कि प्राइसेस बार बार कहाँ आकर अटक रहे हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। आपने देखा यहाँ से प्राइसेस नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, ऑलमोस्ट टच किया, फिर नीचे आए, फिर मार्केट जो है प्राइसेस वहां जाकर रुक गए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन मार्केट ने प्राइस रेंज को वो तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, वहां से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ भाग।
सिंपल है, अगर आपको चार्ट में ये देखना आता है तो आप मार्केट में एक्शन ले सकते हो। एक्शन क्या ले सकते हो, बाय या सेल का। अगर मुझे पता है कि भाई अगर ये लेवल क्रॉस हो जाए तो मार्केट में निफ्टी जो है ऊपर जाएगी, तो मैं निफ्टी खरीद सकता हूँ, मुझे फायदा होगा। तो ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल आप लिखोगे यहाँ पर, मैंने इस पर क्लिक किया टेक्स्ट, यहाँ मैंने क्लिक किया, मैं लिखता हूँ सप्लाई जोन, बोल्ड किया, इटैलिक्स किया, ओके, ठीक है। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा यहाँ लगाया मैंने, दोबारा क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे, यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिखता हूँ डिमांड स्पेस जोन, इसको मैं करता हूँ लेट से ग्रीन, बोल्ड किया, इटैलिक्स किया, सॉरी बोल्ड किया, इटैलिक्स किया, ओके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ले जाता हूँ ऊपर, ठीक है। तो आप सुंदर सा ऐसे चार्ट बना सकते हैं। लेट से मैं दिखाता हूँ, यहाँ एरो एरो भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया, उसके बाद मार्केट में ट्रेंड आ गया ऊपर का, सिंपल मैंने ट्रेंड दिखा दिया। अपने 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 आप क्या कहते हैं उसको, अपने रिकॉर्ड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चार्ट को जो है सेव भी कर सकते हो। सेव कैसे कर सकते हो, आप सिंपली यहां पे जाएंगे, टेक इंस्टेंट स्नैपशॉट, आप यहां क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट की एज इट स्क्रीन की जो है फोटो खींच जाएगी, ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेगी। फिर आप उसको जो है अपने फोल्डर बना लो अपने नाम से, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के नाम से, आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो है इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इमेज आ गई, इसको आप ठीक है देख सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अप टू यू। सो ऐसे ही जो है अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को करना है, आप पिछले 2016 पे आप आ जाओ, चाहे 2017 से ले लो, 2018 से ले लो, 2015 से ले लो, पास्ट में जाना है, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हुए, यानी आप पहले पास्ट में जाओगे, ठीक है। लेट से मैं 2014 स्टार्टिंग में आ जाता हूं, लेट से मैं आ गया 2013 स्टार्टिंग हो गई, 2014 कहां है, ये 2014 स्टार्टिंग, यहां से आप मार्क करना शुरू करो। अब यहां से आप इस तरफ फ्यूचर की तरफ, ठीक है, आप चार्ट को आगे या पीछे की तरफ कैसे ले जाओगे, आप कंट्रोल और एरो की मदद यूज करोगे, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीन को कर्सर दबा कर स्क्रोल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कंट्रोल दबा के चार्ट को शिफ्ट कर सकते हो आगे और पीछे की तरफ, राइट एरो लेफ्ट एरो की तरफ से, ठीक है, सिंपल। तो आप मार्क करो, मार्क करके आप जो है सारे स्क्रीनशॉट लो और आप मुझे व्हाट्सएप करो या फिर आप मुझे ईमेल करो, ताकि हम आप उसको चेक कर पाए कि आपने ढंग से बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टू बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, आपको ये काम करना जरूरी है, उसके बिना आप आगे मत बढ़िएगा, प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।